लोगों के विचार चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे हाथ मजबूत करें और हम आपके हाथ बनकर काम करेंगे, हम आपके हाथ मजबूत करेंगे। हम यहाँ पर आपको अपनी लंबी लंबी बातें करने के लिए नहीं आए, हम इसलिए आए हैं कि हम किस तरीके से मिलजुल कर अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपनी बस्तियों को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, अपने समाज को बेहतर बनाएं, जहाँ पर खुशहाली हो। आज फार्मर परेशान, जिसके लिए स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने ऐसी जंग लड़ी, तारीखी जंग लड़ी, जिसको आपने सुना, आप लोग देखते होंगे पेपर, बहुत सारे लोग जानते हैं किस किस्म से लड़े। अभी मैंने बताया आपको, जो शराब के खिलाफ, जहां औरतें बच्चे छोटे छोटे बच्चों के स्कूल के बिल्कुल 10-15 मीटर को दीवार से दीवार लगी हुई शराब के अड्डे यहां दिल्ली में खुलते हैं, जहां शराब होगी, जहां पे नशे वाले लोग होंगे, जहां पे इस किस्म के लोग होंगे, आप मुझे बताइए अमन किस हद तक कायम रहेगा। तो हमारे मुद्दे बड़े हैं, हमारी मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन उससे बड़ी हमारी अगर कोई ताकत है, वो हमारी इत्तेहाद है, हमारी सोच है, हमारे हिंदुस्तान की जो तारीख है, हजारों साल की तारीख, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहाँ रहने वाला हर इंसान इस मुल्क को रोशन बनाकर रखा था। ये कुछ सदियों की बात है, जहाँ पर इस किस्म के फिरके और तकलीफें नजर आती हैं। तो मैं अपनी बात में लास्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, आखिरी में प्रशांत पंकज जी बात कर चुके होंगे, हम नबी भाई से, हम